हेलो माय नेम इज माडिया एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो सीरीज ऑन ट्रिपल एस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल है उसके ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना जिसमें से पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और 200 हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं अब जो हमें डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमें आज जो स्टार्ट करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर टू जीरो वन के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन ये हाँ तो आज का जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज डैश जब हम लोग ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो ब्लड कैंसर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन गिवन है अनिमिया पॉलीसिथीमिया ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकेमिया सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी ब्लड कैंसर जो होता है उसको हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 202 202 क्वेश्चन को देखेंगे सो so ये कह रहा है रेडियो इम्यूनो एसए आ रही है इज़ अ थेरेपी यूज फॉर डैश ठीक है ये एक टेक्निक होती है रेडियो इम्यूनो ऐसे एक टेक्निक होती है इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं बट किसके लिए क्या इस इस टेक्निक को किसके लिए यूज करते हैं सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल्स तो ब्लड सैंपल्स के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन एंड डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक होती है दैट इज़ नोन एज रेडियो इम्यूनो ऐसे

फॉलो पेयर्स बिलोंग्स टू कार्टिलेजिनस फिश देखो दो चीजें होती हैं एक होता है स्केलेटन एक होता है स्केल्टन स्केल्टन जो होता है वो जनरली किसका बना होता है बोन से बना हुआ होता है ठीक है तो या तो फिशेस जो होती हैं उनमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है या तो अगर वहां पर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर क्या होगा कार्टिलेजिनस प्रेजेंट होगा मतलब प्रेजेंट होंगी अब ऐसी कार्टिलेज क्या होती है हम उसको सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं जो हमारे ह्यूम के केस में जैसे हमारे नोज में जो प्रेजेंट होता है ना तो उस चीज को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं हमें ये बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी फिश है जो कार्टिलेजिनस फिश होती है तो राइट आंसर इज शार्क और रे शार्क और रे फिश जो होती है मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज नो स्केलेटन एट ऑल इन सब में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्केलेटन ही नहीं होता ना तो उसमें बोन वाला स्केलेटन होगा ना तो कार्टिलेज वाला स्केलेटन होगा द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज जेली फिश मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज अ एंडोस्कोप एंडोस्कोप जो होता है ये क्या होता है एंडोस्कोप देखो अगर कभी हमें नहीं भी आता हो सपोज कि हमें इसका मीनिंग नहीं पता है तो सबसे पहले हम वर्ड को अगर हम देखें तो एंडो एंडो का क्या मतलब होता है अंदर या फिर इनर इनर अंदर की तरफ हम जब किसी चीज की बात कर रहे हैं एंडोस्कोप तो एंडोस्कोप जो होता है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू सी इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल तो एलिमेंट्री कैनाल के, के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल हम किसको बोलते हैं जब हम फूड को खाते हैं तो जो हमारे माउथ से लेके ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एनस ये वाला जो पूरा सीरीज होती है ये जो पूरा कैनाल होता है जहाँ से हमारा फूड पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और इस एलिमेंट्री कैनाल के, के अंदर देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज एंडोस्कोप तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट वन द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटली बाय ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है आई होप uh, सब इसका आंसर दे पाएंगे तो जब भी किसी की एज किसी ट्री की एज को हमको बताना है तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि उस ट्री के अंदर नंबर ऑफ रिंग्स कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसकी एज जो है वो कितनी है सो काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक बट हम हमेशा इसको यूज नहीं करते क्योंकि अगर हमको ये चीज को यूज करना है तो हमको ट्री को कट करना पड़ेगा तो ट्री को कट करना सही नहीं है तो इसलिए एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग तो कार्बन डेटिंग को भी यूज करके हम ट्री की एज का पता लगा सकते हैं बट फ्रॉम द

प्लांट की एज को स्टडी करना इस चीज को बोलते हैं, one, are, है? हम जब की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा है और वर्सेटाइल है मतलब अडेप्टेबल का मतलब जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो हमने अभी पिछले टाइम में देखी दैट इज कोरोना वायरस देखो कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो वो इतना ज्यादा खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएगा बट अगर कोई वायरस होगा तो कोरोना वायरस को हमने देखा ये हर एक सीजन में हमने इसको देखा कि ये प्रॉपरली एक्टिव रहा और किस तरीके से इसने डिजीज को कॉज किया काफी ज्यादा वर्सेटाइल था ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से जो वायरस होता है ये सबसे ज्यादा अडेप्टेबल और वर्सेटाइल होता है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजीज इन विच द शुगर लेवल ऑफ़ द ब्लड इंक्रीजेज इज़ नोन एज डैश देखो डायबिटीज़ तो सबको पता है कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है बट डायबिटीज़ के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस इम्परफेक्टस शुगर इंसिस हमें ये बताना है कि द डिज़ीज़ इन द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड इंक्रीज उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज जो डायबिटीज इनसीबिटस होता है इसके केस में जो ब्लड शुगर है वो तो नॉर्मल रहता है बट जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है किडनी में उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आ जाती है वो सही से नहीं हो पाता सारे के सारे ऑप्शन जो है वो अल्टीमेटली जो है वो डायबिटीज ही करते हैं बट उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली देखें द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड जो इंक्रीज होता है ये स्पेसिफिकली किस में होता है डायबिटीज मिलिटिस में सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ऐसी कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो से नहीं होती है सो so, डेंगू जो है वो मॉस्किटो से होगा मलेरिया भी मॉस्किटो से होगा और फाइलेरियासिस जो है ये भी मॉस्किटो से होगा जो हमारा ऑप्शन है सी स्लीपिंग सिकनेस जो है ये मॉस्किटो की वजह से नहीं होगी सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड काफी ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है बहुत बार हमने देख लिया सो द राइट आंसर हियर इज ऑस्ट्रिच बर्ड तो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है ये जो होता है सबसे टॉलेस्ट बर्ड होता है

प्रिंट रिच बना देता है सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर द टर्म जीन वाज कॉइंड बाय डैश देखो जब हम लोग एक सेल की बात करते हैं सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है डीएनए प्रेजेंट होता है अब ये जो डीएनए होता है डीएनए जो होता है ये किससे बना हुआ बना हुआ होता है क्रोमोसोम से और क्रोमोजोम जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं जीन से मतलब छोटे छोटे जीन्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं और मिलके डीएनए बनाते हैं तो हमें ये बताना है कि जो जीन वाली टर्म है इसके बारे में किसने बताया था ये टर्म किसने कॉइन करी थी सो द नेम ऑफ द पर्सन इज डब्ल्यू एल जो हें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू वन फाइव क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्स इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिब्स होते हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्नेक में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट वन फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ फोर्टीन जब तक चाइल्ड को फोर्टीन ईयर्स की एज का होगा तब तक उसको ऐसा कौन सा इनमें से न्यूट्रिय uh, है जो सबसे ज्यादा चाहिए होगा प्रोटीन विटामिन फैट या फिर मिल्क सो द राइट आंसर हेर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन प्रोटीन जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चाइल्ड की ग्रोथ के लिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ द न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ थ्री मंथ इज कॉल्ड एज डैश इसमें एक फोर्थ ऑप्शन भी है चलो एक एक करके ऑप्शन को स्टडी करते हैं जो कोरोलॉजी होता है कोरोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं जब भी हम कोई किसी जियोग्राफिकल इवेंट को स्टडी करते हैं ना तो उस चीज को हम लोग कोरोलॉजी में डिस्कस करते हैं कॉन्कोलॉजी होता है जब हम लोग वगैरह की स्टडी करते हैं ना जो हमको मतलब जो समुन्द्र वगैरह से जो शेल्स वगैरह मिलते हैं उनकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उनको कॉन्कोलॉजी बोलते हैं निमेटोलॉजी होता है जोलॉजी में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास जिनको हम लोग निमाटोड बोलते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं निमेटोलॉजी हम इसको बोलते हैं तो जो क्वेश्चन में उसने पूछा है स्टडी ऑफ द न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ थ्री मंथ अगर हमको उसकी स्टडी करनी है जब तक एक न्यूली बॉर्न बेबी थ्री मंथ का हो रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं नियोनाटोलॉजी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो पे इसका इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम इन सब में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता देखो सेलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं तो ये तो ये तो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जिसमें से कल भी हमने एक एग्जाइम डिस्कस किया था जिसमें से सेलाइवरी अमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम होता है टाइलिन हमारे पास एक एंजाइम होता है तो इस तरीके से ये तो हमारे पास एंजाइम को सिक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हां यहाँ पर भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं जैसे लैक्टेस एंजाइम होता है इस तरीके से यहाँ पर और भी डिफरेंट एंजाइम सिक्रिएट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रिया की बात करें तो यस यहां पर भी हमने कल पढ़ा था ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तो इसका मतलब बी सी और डी सारे के सारे जो हैं सब में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं बट लीवर की अगर हम लोग बात करें तो लीवर जो है वो कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन ऑप्शनल लीवर लीवर जो होता है वो क्या करता है बाइल जूस मतलब बाइल जूस को यहां पर जो क्या होता है स्टोर करके रखा जाता है लीवर में मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दिल्वी कल्चर मतलब विच टर्म होगा यहाँ पे विच टर्म मतलब यहाँ पर इन चारों में से ऐसी कौन सी टर्म है ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिलेटेड है सिल्वी कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा पॉइंट है तो सिल्वी कल्चर क्या होता है सिल्वी कल्चर का मतलब होता है जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं सिल्वी कल्चर में आती हैं सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज Forest crops. Moving to to the 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 next question, the term GM 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 food food. food refers to the food. GM food item word अगर कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट uh, uh, अगर जीएम हमको अगर जीएम क्रॉप अगर सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो पता होनी चाहिए बीटी कॉटन के बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या है एक जीएम क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मूविंग टू द द नेक्स्ट वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फिश ये जो चार हमें ऑप्शन गिवन है इसमें से जो ट्रू फिश है वो हम यहाँ पे किसको बोलते हैं तो so इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉग फिश मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कलर ऑफ द्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस का जो कलर होता है किसी में ह्यूमन स्किन ज्यादा डार्क होती है कि, किसी में ह्यूमन स्किन जो होती है थोड़ी लाइट कलर की होती है तो ये जो कलर ऑल्टरेशन है वो किसकी वजह से होता है जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेलेनिन मेलेनिन की वजह से जो ह्यूमन स्किन का कलर है वो होता है नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है तो हेपेटाइटिस तो होती है एच भी होता है और मलेरिया भी होता है पर टाइफाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसकी वजह से कॉज होती है सेलमोनेला इस बैक्टीरिया का नाम होता है

क्या रीजन होगा इसका देखो अगर कोई भी अगर हम लोग फ्लैट फुट की बात करें तो फ्लैट फुट अगर जितना ज्यादा फ्लैट अगर जितना ज्यादा कोई चीज़ पॉइंटेड होगी और कोई चीज अगर फ्लैट होगी ठीक है अगर जो पॉइंटेड वाली चीज़ होगी इस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा इससे प्रेशर जो होगा वो ज्यादा लगेगा बट अगर कोई चीज़ फ्लैट होगी तो उससे प्रेशर क्या होगा थोड़ा कम लगेगा है ना तो यहां पर हम फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं तो प्रेशर जो होगा वो कम होना चाहिए सो so, पहली चीज़ है प्रेशर सो प्रेशर ऑन अ सैंड इज डिक्रीज ठीक है प्रेशर ऑन द सैंड इज इंक्रीज ये तो हमारा गलत हो जाएगा प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज इसको भी देखते हैं और प्रेशर ऑन द सैंड इज इंक्रीज ये भी हमारा गलत हो जाएगा सो so, हमें ऑप्शन ए और सी को देखना है अब क्या इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट अब देखो अगर हमारे पास फ्लैट फुट है तो इसमें जो एरिया इसके साथ नीचे कॉन्टैक्ट में आएगा क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज फ्लैट है तो उसके साथ जो एरिया आएगा कॉन्टेक्ट में जो सरफेस लैंड सरफेस उसको टच करेगी वो ज्यादा होगी तो इसका मतलब इंक्रीजिंग

पिपराइन पिपराइन जो होता है ये भी प्लांट प्रोडक्ट होता है ब्लैक पेपर वगैरह से हमें मिलता है ये भी आंसर नहीं होगा निकोटीन भी प्लांट प्रोडक्ट है ये भी आंसर नहीं होगा बट राइट आंसर क्योंकि सेकरन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर तो ये जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट से नहीं मिलता इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एंटी कॉगुलेंट सबस्टांस इन द ब्लड अगर ब्लड की बात करें तो उसमें ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो कॉगुलेशन नहीं होने देता क्वागुलेशन का मतलब होता है अगर सपोज हमको कहीं पर कट लगता है तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बट कुछ टाइम बाद वो ब्लड खुद से ही जो होता है वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पर जो होती है एक लेयर जैसी बन जाती है उसी को हम लोग क्वागुलेशन बोलते हैं कि ब्लड जो हो गया वो क्वागुलेट हो गया है तो ऐसा कौन सा चीज़ है ब्लड के अंदर जो एज अ एंटी कॉगोलेंट एक्ट करता है तो एंटी कागुलेंट जो होता है वो होता

अब इसमें हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो हमको डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं कि जिसमें तीनों के तीनों ऑप्शंस में से टीथ किसी में भी नहीं होंगे अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कौ में जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एलिगेटर में जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो लॉरिस में जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए पीकॉक ऑस्ट्रिच और टॉटाइस ये हमारा राइट right आंसर होगा क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते जॉन्डिस of of की जब हम लोग बात करते हैं तो जॉन्डिस इज अटम ऑफ डिजीज ऑफ डैश तो किसकी यहाँ पे डिजीज होती है ये लीवर की डिजीज होती है लीवर को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा ये द वैक्सीनेशन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स इनवॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश तो जो इसकी जो स्मॉल पॉक्स जो होती है उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन में हम लोग वैक्सीनेशन में बेसिकली क्या दिया जाता है वैक्सीनेशन में बॉडी के अंदर क्या दिया जाता है वीकेंड जर्म्स जो बहुत ही वीक जर्म्स होते हैं उनको बॉडी में डाला जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू ताकि उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाए और फिर अगर इन फ्यूचर में कभी अगर कभी अगर सच में वो डिजीज़ हमको कॉज हो जाए तो हमारी बॉडी के पास वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हों और वो उस उन जर्म से अच्छे से फाइट कर सके डेफिशंसी ऑफ विटामिन सी इन मैन कॉजेज देखो विटामिन बी सी जो विटामिन बी सिक्स जो होता है उसको हम लोग पायरीडॉक्सिन भी बोलते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें से एक प्रॉब्लम होती है अनिमिया अनिमिया की प्रॉब्लम भी जो है वो बी सिक्स से देखने को मिलती है सो ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट था ये किसने किया था 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 ने करा था और इन्होंने एक फीमेल थी जिसकी के अंदर से जिस फीमेल का हुआ था, काफी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी तो उस फीमेल की बॉडी से हार्ट को जो है वो लेके ट्रांसपोर्ट किया था एक ट्रांसप्लांट किया था एक पर्सन था साउथ अफ्रीका का जिसका नाम था लेविस वॉश कैंसकी तो इस पर्सन की बॉडी के अंदर वो हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था और ये फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट था वॉशिंग ऑफ द द पील्ड वेजिटेबल रिमूव विटामिन अगर हम लोग पील्ड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको वॉश करेंगे तो उससे दो विटामिन है जिसके रिमूव होने के चांसेस होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह वहाँ से रिमूव हो जाता है सो ऑप्शन सी बी हेयर इज द राइट आंसर जिसका मतलब यहाँ पर विटामिन सी जो होता है वो रिमूव हो जाता है उसको धोने से में ब्लाइंडनेस होती है तो अगर वो पर्सन को अगर उस पर्सन को आप रेड कलर दिखाओगे तो उसको जो होगा वो रेड कलर कैसा दिखेगा ग्रीन कलर का दिखेगा सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट वन

वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कुक्ड फूड बियॉन्ड सो जो बर्ड फ्लू का वायरस है कुक्ड फूड को कितने टेम्परेचर पे अगर हमने कुक किया होगा तो उसके बाद वो जो वायरस है वो नहीं ट्रांसफर हो सकता सो द राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू द एच ओ सेवेंटी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम फूड को गर्म कर देते हैं तो वो जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो ट्रांसमिट होगा वो नहीं होगा नेक्स्ट वन द नंबर ऑफ द चैम्बर इन अ ह्यूमन हार्ट अगर ह्यूमन हार्ट की हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग एक साइंटिफिक वे में समझें तो हार्ट को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और अगर नॉन साइंटिफिक वे में देखें तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं बट हम साइंटिफिक वे में देखते हैं तो साइंटिफिक वे में जो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर आते हैं चार चैम्बर आते हैं बेसिकली ये वन टू थ्री फोर और ये जो ऊपर वाले चैम्बर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर ये इसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं सो और हमारे पास क्या होता है ऑरिकल है? तो होते हैं लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल और जो नीचे वाले होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तो टोटल कितने होते हैं चार राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल रिसीपियंट टू द ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोई भी किसी भी ब्लड की पर्सन के ब्लड ग्रुप को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मिक्स कर सकता है उसको ले सकता है यूनिवर्सल रिसिपियंट तो जिस अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सारे किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ले सकता है अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो. द विटामिन दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग अच्छा इसमें एक और चीज समझ लो यूनिवर्सल यूनिवर्सलियंट हो गया हमारा ए बी अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपियंट होता है द विटामिन दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग रिपीटेड क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट मैच ठीक है इन सब में से हमने बताना है कि सबसे परफेक्ट मैच जो है वो कौन सा है पहला ऑप्शन है कोरोनरी अटैक कोरोनरी अटैक जो होता है इसकी वजह से बेसिकली हार्ट अटैक होता है वेस्कुलर डायलेशन नहीं होता हार्ट अटैक होता है सो ये गलत हो गया उसके बाद है सो एर्थिर so, जो है इसका यही मतलब होता है ब्लॉकेज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज मतलब जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर कुछ सबस्टांस की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो उन आर्टरीज से अच्छे से नहीं ट्रांसफर हो सकता सो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज आर्थरिस क्लेरोसिस सी ऑप्शन में कह रहा है हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर बट यहाँ लिखा हुआ है लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन होता है लो ब्लड प्रेशर बट यहाँ लिखा हुआ है हार्ट अटैक सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो दो टाइप के होते हैं एक हमारे पास होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक हमारे पास होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हम ह्यूम्स होते हैं हम ह्यूम्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा कैसा रहता है कॉन्स्टेंट रहता है ऑल द टाइम चाहे सर्दी होगी चाहे गर्मी होगी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो किसके लिए सही है वार्म ब्लडेड के लिए ऑप्शन नंबर सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है द द बॉडी चेंजेस इन विद एटमोस्फेयर जिस तरीके से एटमोसफेयर का टेम्परेचर होगा उसी तरीके से उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर हो जाएगा अगर एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा ठंड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो टेम्परेचर जो हो होगा वो बढ़ जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फर्स्ट में कह रहा है देयर बॉडी रिमेन्स कोल्ड ऑल द टाइम नो

और, और, I, और आई बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई ओ और आई ओ से ये हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जीन्स जो होते हैं वहां किसमें एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो अग अब हमारे पास एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है अगर हम इसमें से प्रोबेबिलिटी देखें तो अगर ये और ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा आई ए आई जीरो अगर ये और ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बनेगा आई ए आई जीरो अगर ये और ये कंबाइन करता है तो बनेगा आई बी आई जीरो अगर ये और ये कंबाइन करेगा तो बनेगा आई बी आई जीरो तो इस वाले फर्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा ए इस वाले में जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी ए होगा इस वाले में जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा और इस वाले में जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी बी होगा सो so, ऐसे पेरेंट में जो ब्लड ग्रुप होगा चिल्ड्रन का या तो वो ए हो सकता है या तो वो बी हो सकता है सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहां पे राइट right आंसर होगा मूविंग टू द नेक्स्ट वन

मतलब ऐसा कोई function बताओ sweat gland का जो सिर्फ sweat gland ही जो सिर्फ ही है है। वो उसको अच्छे से करता अगर हम लोग डाउट no ये स्वेट ग्लैंड के थ्रू भी होता है बट ये जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वगैरह वहां से भी एक्सेस सॉल्ट निकल जाता है तो ये प्राइमरी कंसर्न नहीं हुआ स्वेट ग्लैंड का एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजेनस वेस्ट नो ये तो एक्सक्रीशन के थ्रू होता है येस थर्मोरेगुलेशन इज द राइट आंसर थर्मोरेगुलेशन मतलब ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेनटेन करने में हेल्प करता है और सेक्स अट्रैक्शन जो है वो स्वेट लैंड का रोल नहीं होता सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू फोर्टी फाइव द विटामिन दैट हेल्प टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी तो ऐसा कोई विटामिन जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे ह्यूमन बॉडी में दैट इज विटामिन सी द नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट इन द ह्यूमन मेल जब हम लोग रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो अगर हम लोग मेल के केस में बात करें तो मेल के केस में जो नंबर होता है वो होता है 4.35 टू 5.65 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड तो अगर हम लोग वुमेन के केस में बात करें या फीमेल के केस में बात करें तो वहां पर होता है थ्री पॉइंट नाइन टू टू फाइव पॉइंट वन थ्री मिलियन पर माइक्रोलीटर तो यहाँ पे हमें बताना है कि मेल के केस में कितना होगा तो इसके बीच में हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है दैट इज फाइव मिलियन सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर सबसे ज्यादा जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सी होती है सो ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोस इज द राइट आंसर फ्रक्टोस और ग्लूकोज जो है इनका जो स्ट्रक्चर इनका फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है बट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से फ्रक्टोस जो होता है वो ज्यादा स्वीट हो जाता है एच वन एच फाइव एन वन वायरस की अगर हम लोग बात करें जिसकी वजह से बर्ड फ्लू कॉज होता है तो ये कब डिस्कवर हुआ था ये बेसिकली नाइनटी और 1996 और 1997 में डिस्कवर हुआ था तो 1997 में जो ह्यूमन के केसेस थे वो 1997 में देखे गए थे सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टेटनस इज कॉस्ड बाई डैश ठीक है टेटनस जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे होती है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाइज से होती है सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन ई जो होता है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ टीथ तो यहाँ पे सही आंसर नहीं है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये भी सही ऑप्शन नहीं है, yes, right no. so, e है नॉर्मल एक्टिविटी और जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उनको भी वो सही से करने में हेल्प करता है सो so, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ठीक गए होंगे सो यू कैन कॉमन डाउन योर स्कोर सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिफ्टी एम सी की उसको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहो प्रिपरेशन करते रहो सो बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट